एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण कि हम तो सारा कुछ फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमारा क्रिएटिनिन क्यों नहीं घट रहा, पोटेशियम इतना भला क्यों है, ठीक है ना। तो इसका जवाब ध्यान सुनिए, ये सिर्फ क्रिएटिनिन और पोटेशियम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये बाकी और पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में भी लोग पूछते हैं। तो इसका जवाब क्या है इस बात को देखिए, क्रिएटिनिन को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। कुछ लोगों के हम तो हजारों आपके जैसे पेशेंट्स के ब्लड रिपोर्ट देखते हैं रोज, तो हम थोड़ा सा आपको बता सकते हैं। आप तो अपना ही देखते हो, हम तो सभी का देखते हैं, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर है। कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन उनको किडनी फेलियर के सारे सिम्टम्स हैं। कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका क्रिएटिनिन 20 है, 20, तो आपको लगे 20 वाला जिंदा ही नहीं रहेगा, कोई सिम्टम नहीं है। तो क्रिएटिनिन कोई एनिमी नहीं है, कोई विलन नहीं है। क्रिएटिनिन जब बॉडी में बढ़ता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक आध कारण ऐसे भी होते हैं जब किडनी काम नहीं करता तब भी बढ़ जाता है। लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ गया तो किडनी काम नहीं कर रहा ऐसा जरूरी भी नहीं है। जिस तरह से बाल जब सफ़ेद होते हैं तो नॉर्मली लोग बूढ़े होते हैं तब सफ़ेद होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिसके भी बाल सफ़ेद है वो बूढ़ा ही होगा, समझ रहे हैं बात, है ना। तो कोरिलेशन को समझिए इसको, कि क्रिएटिनिन बढ़ने का मतलब किडनी फेल है ऐसा नहीं है। हाँ, किडनी फेल वाले का भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, और कई बार जो किडनी के सिम्टम्स होते हैं वो क्लासिक सिम्टम होने के बाद भी क्रिएटिनिन नॉर्मल रहता है, तो दोनों ही रहता है। मतलब ये कि उसको देख के, क्रिएटिनिन को देख के आप अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को तय नहीं कर सकते, या हम ठीक हो रहे हैं या हम बीमार पड़ रहे हैं और ज्यादा इसको भी तय नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने पेशेंट को, क्रिएटिनिन को तो देखो ही मत, दैट इज नॉट अ पैरामीटर, राइट। वो मिसलीडिंग पैरामीटर है, और देखो तो इतना सीरियसली मत देखो, राइट। अब आता है पोटेशियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के इसका, इसको समझने की जरूरत है कि पोटेशियम 6 आ गया तो बड़ा खतरे की बात है, उससे तो कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, डेथ आ जाएगा। एक बात आप समझिए कि जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं या ऐसे पेशेंट जिनका यूरिन आउटपुट कम हो गया है, राइट, यूरिन आउटपुट कम हो गया, पेशाब कम हो गया, इसका मतलब किडनी कम पेशाब बना रहा है, यानी कि किडनी खराब हो गई, इस तरह से आप इसको सोचिए। तो पेशाब अगर नहीं होगा तो वो जो पेशाब निकलना था वो बॉडी में कहीं ना कहीं है, तो वो बॉडी में जमा हो जाएगा, तो कभी लंग के ऊपर जमा हो जाएगा, पैरों में, हाथों में, तो वो सारे ऑर्गन काम करना कम कर देंगी, और यही तो बीमारी है ना, राइट। तो दिस इज द डिजीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात को जरा समझिए, ऐसा पेशेंट, मान लो ऐसा पेशेंट है जिनका यूरिन आउटपुट का 0 हो गया, अब इनके बॉडी में वो फ्लूड जमा हो गया, इन कंपेरिजन टू एक इंसान जिसमें फेलियर नहीं है, इनके बॉडी में फ्लूइड जमा नहीं है, क्लियर है ना। तो इनका जो बॉडी की केमिस्ट्री है, इनके बॉडी की केमिस्ट्री से अलग होगी ना, इनके बॉडी में एक पर्टिकुलर चीज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग बात है, वो एक कुशन की तरह काम करती है, एडवांटेज की तरह काम करती है, और ऐसे लोगों में पोटेशियम की मात्रा 6 होने से भी बॉडी पे ज्यादा असर नहीं करता, समझिए। 6 पोटेशियम कैन बी डेंजरस फॉर हिम, जो कि हेल्दी इंसान है, वही 6 पोटेशियम इनके लिए उतना डेंजरस नहीं है फॉर किडनी पेशेंट। तो किडनी पेशेंट की पैरामीटर आर डिफरेंट, लेकिन होता क्या हॉस्पिटल में, एक हेल्दी पेशेंट, हेल्दी इंसान का जो पैरामीटर है उसी पैरामीटर को किडनी पेशेंट के ऊपर अपनाना चाहते हैं, राइट। और किडनी पेशेंट के लिए 6 या पोटेशियम का ज्यादा होना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि इनकी बॉडी की केमिस्ट्री वो नहीं है जो इनकी बॉडी की केमिस्ट्री है, राइट। इसीलिए आपके लिए पोटेशियम ज्यादा हो भी सकता है क्योंकि बॉडी की केमिस्ट्री बदल गई है, बट उसको हम एज ए खतरे की घंटी इंडिकेट करेंगे तो वो हमारे लिए फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 6 पोटेशियम करना है आपको, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इनकी केमिस्ट्री अलग है, राइट। ये अगर आपको और डिटेल में जानना है तो एक ट्रायल हुआ था, इट्स कॉल्ड स्क्रीन ट्रायल, स्टॉकहोम क्रिएटिनिन मैनेजमेंट ट्रायल। इसमें, इस ट्रायल में ये देखा गया है कि जब किसी का पोटेशियम बढ़ता है करीब 5 ऐसा कुछ एक नॉर्मल इंसान का, तो उनमें डेथ होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है, लेकिन यही वाला पोटेशियम किडनी वाले पेशेंट का जब बढ़ गया इनमें डेथ होने की चांसेस कम होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो किडनी वाले पेशेंट्स के लिए पोटेशियम 6 इज नॉट डेंजरस इन कंपैरिजन टू नॉन किडनी पेशेंट, इसीलिए पोटेशियम में बहुत अलार्म होने की जरूरत नहीं। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है।
हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।